हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेबेलिन सुपर स्टे का 30 आवर्स स्टे फाउंडेशन। ये न्यू फाउंडेशन है, इसका मैं आज आपके साथ शेड गाइड शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो गाइस, इसमें 6 शेड्स है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में 6 शेड्स के बारे में बताऊँगी कौन सा किस स्किन टोन पे जाएगा, किस अंडरटोन पे जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस फाउंडेशन का जो पहला शेड मैं आपको बताने वाली हूँ वो है वॉर्म न्यूड 128। ये लाइट स्किन टोन प्लस येलो अंडरटोन के लिए। गाइस, अगर आप इसी स्किन टोन के हो तो आपको यही शेड लेना है, वॉर्म न्यूड 128 लाइट स्किन प्लस येलो अंडरटोन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट शेड है ना वो है नेचुरल आइवरी। ये जो शेड है नेचुरल आइवरी 112, ये शेड फेयर स्किन टोन प्लस पिंक अंडरटोन के लिए। अगर आप फेयर स्किन टोन हो प्लस पिंक अंडरटोन, देन आपको अपने लिए यही शेड लेना है। और मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है, अगर इस टाइप के आप फेयर हो देन आपको यही शेड लेना है अपने लिए, नेचुरल आइवरी। तो चलिए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस, जो अगला शेड है वो है मीडियम डस्की स्किन प्लस न्यूट्रल अंडरटोन। अगर आपकी भी मीडियम डस्की स्किन टोन है और आपका अंडरटोन न्यूट्रल है, देन आपको जो शेड लेना है वो है सन बेज 310। ये जो शेड है ना सन बेज, ये मीडियम डस्की स्किन टोन के लिए है प्लस न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। अगर आप भी इस स्किन टोन टाइप हो देन आपको यही शेड लेना है अपने लिए। तो चलिए नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइस, हमारा जो अगला शेड है ना वो है फेयर स्किन प्लस येलो अंडरटोन। अगर आप फेयर स्किन टोन हो जैसा मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, देन आपको जो अपने लिए शेड लेना है वो है क्लासिक आइवरी 120 यानी 1। गाइस, अगर आप फेयर स्किन टोन हो प्लस येलो अंडरटोन, देन आपको अपने लिए यही शेड लेना है क्लासिक आइवरी। गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस, हमारा जो अगला शेड है वो है मीडियम स्किन प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप मीडियम स्किन टोन हो और आपका अंडरटोन येलो है, देन आपको जो शेड लेना है अपने लिए वो नेचुरल बेज 220। नेचुरल बेज 220 जो शेड है वो है मीडियम स्किन प्लस येलो अंडरटोन के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लास्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस, हमारा जो लास्ट शेड है वो है डस्की स्किन प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप डस्की स्किन टोन हो और आपका अंडरटोन येलो है, देन आपको जो अपने लिए शेड लेना है वो है गोल्डन 312। ये जो शेड है वो है डस्की स्किन प्लस येलो अंडरटोन के लिए और इसका जो शेड नंबर है वो है गोल्डन। तो अगर आप भी ऐसे स्किन टोन के हो तो आपको भी अपने लिए यही शेड लेना है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।